सो है गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। तो गाइज, मेरा नाम है मनीष साजिद, आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपनी चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइज, पहले इस बात करने वाले हाउ टू सोल्व फोन पे प्रोसेसिंग पेमेंट्स प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। देखिए, हम जब पैसे को ट्रांसफर करते हैं फोन पे के थ्रू, तो हमारा पैसा जो कि फंस जाता है और उसके बाद वो प्रोसेसिंग से लिखा जाता है और वो पैसा ना तो उस व्यक्ति के पास पहुँचता है और ना ही वो पैसा फिर से रिटर्न हमारे बैंक में आते हैं। और बोलता है फोन पे के थ्रू कि यह पैसे जो कि आपको 15 दिन 10 दिन के बाद आपको फिर से वापस आ जाएंगे। अब वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये तो हमारे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और मान लीजिए पैसा वो अर्जेंट है, वह पैसा मुझे 1 से 2 दिन में अगर फंस गया तो 1 से 2 दिन में भेजना है या फिर आज ही के आज ही भेजना है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो फाइनली उस पैसे को आप कैसे रिटायरमेंट कर सकते हैं अपने बैंक में या फिर उस बंदे तक कैसे भेज सकते हैं? तो फाइनली फोन पे में वो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, लेकिन वो हम लोग सॉल्यूशंस नहीं जानते, जिस कारण नहीं करते, जिस कारण फोन पे ऑटोमेटिक ही आपका 10 दिन 8 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके पैसे को फिर से अपने खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने पैसे को 1 से 2 घंटा में भी रिटायरमेंट कर सकते हैं अपने बैंक से, अपने बैंक्स में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उस पैसे को जो प्रोसेसिंग में फंस गया उस पैसे को फिर से उस बंदे तक भी आप सेंड कर सकते हैं। तो आपको जो तरीके अच्छा लगे वह तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने फ़ोन पे प्रोसेसिंग जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। चलिए वो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप जानने से पहले मैं आपको कुछ पैसे दिखाऊंगा जो मेरा प्रोसेसिंग में था और फाइनली मैंने उसको कैसे सक्सेसफुल किया और फाइनली वो पैसा मेरा 12 घंटा और 24 घंटा के अंदर यानी 12 घंटा में मेरा पैसा वो रिकवर हो चुका था। तो फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली फ़ोन पे मैं आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे चले जाता हूँ इसके प्रोफाइल्स में और यहाँ पे देख सकते सब कुछ ऑल पेड है, टोटली पेड है। लेकिन एक पैसा जो कि था 1510 रुपया वो मेरा प्रोसेसिंग में फंस गया और फाइनली यही पैसा जो कि था और यही पैसा जो कि मैंने 12 घंटा के अंदर में इसको रिकवर किया और फाइनली 12 घंटा के अंदर मेरे अकाउंट्स में चला है। तो फाइनली इसको कैसे किया पहले आपको पूरी जानकारी बताऊंगा और यहाँ पे एक नहीं आपको 3 तरीके बताऊंगा और मैंने 2 ही तरीके आपको अप्लाई किया और यहाँ पे मेरा वर्क कर गया और फाइनली मेरा पैसा कि 12 घंटा के अंदर में यहाँ पे आ जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो कि बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि फाइनली ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आपके जैसे ही यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों लोग होते हैं जिनका पैसा प्रोसेसिंग में फंस जाते हैं एक आध दिन ये फ़ोनपे के इशू के तौले। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है लेकिन यहाँ टैप करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली दिखा रहा था। फाइनली ये कैसे हुआ ये आपको जानकारी बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद आपको सिंपली अपने फ़ोन पे के होम पेज पे आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे आपको कितना मिनट फास्ट हो लेकिन ये थोड़ा सा स्लो काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मनी ट्रांसफर का, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद सेंड मनी का, क्योंकि आपने सेंड किया तभी तो आपका प्रोसेसिंग में गया था, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलेंगे व्हाट इफ आई फेस एन इशू विथ अ पेमेंट्स, इसको आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सिलेक्ट अ ट्रांजेक्शन करना है एंड उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना है जो आपका प्रोसेसिंग में चला गया है। तो फाइनली मेरा तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन अभी प्रोसेसिंग में नहीं है, 1 रुपया है जो फेल हो गया। तो फाइनली मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद में इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको फ़ोन पे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि फाइनली ये प्रॉब्लम्स आपको कब तक सॉल्व हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे आपको बता रहे वी होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल, या इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगा आपके लिए। द फॉर फर्दर हेल्प प्लीज रिप्लाई टू इम्पिटली टिकट्स वी क्रिएटेड फॉर सपोर्ट टीम्स विल बी विद इन 24 आवर्स। मतलब ये जिम्मेदारी ले रहा है कि फाइनली आपका जो कि प्रॉब्लम्स है वो 24 आवर्स में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये 100% नहीं कह रहा है कि आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना लगता है कि आपका 24 आवर्स में, 24 आवर्स से कम में भी हो जाएगा, 24 आवर्स ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पे एक फिक्स नहीं है, तो आपको अकॉर्डिंग होता है कि आपका आपने कब अप्लाई किया और आपने किस तरह से अप्लाई किया कि आपका जो कि फर्स्ट वार्ड में हो गया। फाइनली आप जैसे हज़ारों नहीं लाखों लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं जिस कारण जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो फाइनली आपका प्रॉब्लम्स जल्दी सोल्व कैसे हो गए, इसी कारण जो कि फर्स्ट वीक यानी 1 हफ्ता तक जो कि सोल्व होने में ये प्रॉब्लम्स लग जाते हैं। इस कारण आपको स्मार्ट वर्क करना है जिससे कि आपका प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सोल्व हो सके, जैसे कि मैंने 12 घंटा में अप्लाई किया। तो फाइनली इस चीज़ को सिंपली आपको अप्लाई कर देना है जिससे कि उसके पास नोटिफिकेशन चल जाए कि ये बंदा परेशान है, फाइनली इसका पैसा फंस चुका है। तो इसको करना है, उसके बाद जो कि आपको सेकेंड स्टेप क्या करना हो, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे नोटिफिकेशन उसके बाद चला गया। अब जो कि सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसी में आना है। उसके बाद नीचे में आने के बाद यहाँ पे नीचे जो कि बोलेगा कॉन्टैक्ट योर बैंक, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट योर बैंक में आना है
उसके बाद में अपने बैंक्स को सिलेक्ट करना है जो आपका बैंक है। तो सिंपली मैं अपने बैंक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे सिंपली बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने नीचे यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे ईमेल वाला ऑप्शन को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको वहाँ पे कस्टमर लिंक का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे सिंपली टैप करना है। एंड उसके बाद में इसके साइट पर आपको ऑलरेडी चला जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने हिसाब से खाता नंबर डाल के और यहाँ पर आपको ना जो कि प्रॉब्लम्स फेस करेंगे वहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल देंगे। तो फाइनली मैं यहाँ पर नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियोस थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फाइनली ये ट्रिक्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं होता है तो फाइनली आप कहेंगे तो फाइनली मैं आपको बता दूँगा कि कैसे कैसे होता है। और फाइनली आपको एक और वीडियोज़ बना दूँगा इसके ऊपर अगर आप कॉन्टैक्ट बैंक से रिलेटेड चाहते हैं। तो फाइनली इस तरह से आप अप्लाई कर लेंगे, अपने हिसाब से आज लेकर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा तरीका इस तरह से आपको कर लेना है, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। और यहाँ पे ये दो तरीका भी अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो कि 12 घंटा क्या आपको 6 घंटा भी बहुत ज़्यादा हो गया, आपका 6 घंटा के अंदर में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो अगर आपका नहीं होता है मान लीजिए आप दो ही तरीके भी अप्लाई कर दिए तो तीसरा तरीका भी अप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद आपको 24 घंटा तो वेट करना ही होगा क्योंकि यहाँ पर आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, इस कारण कभी कभी होता है कि वो भी उस चीज़ को अप्लाई किया और आप भी इस चीज़ को अप्लाई करें तो फाइनल यहाँ पर जो कि प्रॉब्लम्स दोनों में ही थोड़ा आ जाते हैं जिस कारण से सोल्व होने में 24 आवर्स आपका लग जाएगा। लेकिन आपका फर्स्ट वीक नहीं लगेगा, मेरा गारंटी है आपका 24 घंटा के अंदर में ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। अब जो कि तीसरा ट्रिक्स क्या है तो तीसरा ट्रिक्स आपको क्या करना है इसी में आपको आ जाना है। एंड उसके बाद में आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो कि ऑप्शन आपको मिलेंगे अकाउंट सिक्योरिटी एंड रिपोर्टिंग फ्रॉडेंटलेंट एक्टिविटी, आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, उसके बाद में आपको बोलेगा कि हाउ डू आई रिपोर्ट फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ऑन फोन पे, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है इस ऑप्शन के। और यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे बोलेगा रिसीव अ कॉल और पेमेंट, आपको कॉल और पेमेंट से रिलेटेड करना है। जो कॉल आपको कॉल करके आप इशू को फेस करेंगे या फिर इस तरह से आप कॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले सेलेक्ट करें। लेकिन मैं विदाउट नॉलेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं अपना कॉल यहाँ पे नहीं करवाऊँगा कि मैं यहाँ पे मैसेज चैटिंग के थ्रू यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा तरीके को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे बोला है कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे सिंपली आपको कॉन्टैक्ट अस कर देना है। एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट अस करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएंगे और यहाँ पे देख ही सकते हैं मेरा अकाउंट आ गया और मेरा यहाँ पे सारे जो कि ये उधर से आ जाएगा। आपको कुछ सम एक कैप्शन आपको दिखाए जाएंगे जो कि आपको लिखे रहेंगे, एम डी साजिद वी श्योरी दैट अंडरस्टैंड यू मस्ट बी अपसेटिंग फॉर यू, मतलब कि आपको कह रहे हैं कि मतलब अगर आप अपसेट हो गए हैं फाइनली मेरे इस इशू प्रॉब्लम से तो आप के लिए आई एम सॉरी, मैं हम लोग बहुत शर्मिंदे हैं लेकिन आपको ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। तो फाइनली इस तरह से आपको कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपने यूपीआई के थ्रू किया हो तो यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने वॉलेट और गिफ्ट कार्ड से सिलेक्ट किया तो गिफ्ट कार्ड, आपको जो जिस चीज़ से आपने पैसे को ट्रांसफ़र किया हुआ वहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाएंगे, तीनों का ऑप्शन किसी को भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो फाइनली मैं यहाँ पे यूपीआई को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे यूपीआई को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एक जैसे ही आप यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन चार यहाँ इस तरह से आपका जो कि फ़ोन पे की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। पहला जो कि बोलेगा एम डी साजिद पेमेंट्स कैन ओनली अथॉरिटीज यूपीआई पिन इज एंटर्ड, आई रिक्वेस्ट यू वन कंपेंस यू सेकेंड चेंज यूर पिन, दैट इज़ अ कुछ यहाँ पे बताया जाए। तो फाइनली इस तरह से हो जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाएगा, लेकिन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा, ये नहीं कि मुझे पढ़ने नहीं आता, पढ़ के भी बता सकता हूँ लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा हो जाएंगे तो फाइनली यहाँ पे आपको पढ़ने हुआ नहीं है। तो यहाँ पे नीचे जो कि एक ऑप्शन आपको मिलेंगे, सबसे नीचे जो कि आप जैसे यूपीआई सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेंगे, वी होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल, जो कि पहले आपको बताया तो वही ऑप्शन फिर से आ गया। फॉर फर्दर हेल्प प्लीज़ रिप्लाई टू द टिकट्स, ये नंबर है आपके ट्रांजैक्शन आईडी का, वी हैव क्रिएटेड फॉर यू एंड आवर सपोर्ट टीम विल रिस्पॉन्ड विद इन 24 आवर्स, वी कैन एक्सेस दिस टिकट अंडर व्यूज टिकट्स एट द टॉप ऑफ दिस स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये बोल रहा है कि फिर से यह बोल रहा है कि आपको 24 आवर्स से कम समय में ही आपका यह ऐप सोल्व हो जाएगा। अगर आप ये तीनों ट्रिक्स को अप्लाई कर देते हैं तो अगर आप यहाँ पे तीन ट्रिक्स अप्लाई किए और फाइनली कोई बंदा दो ही ट्रिक्स, कोई बंदा एक ही ट्रिक्स अप्लाई किया और आपने तीन ट्रिक्स अप्लाई किए और तीनों तरीके से आपका जो कि नोटिफिकेशन फ़ोन पे के थ्रू यहाँ पे गया,
तो फाइनली आपको क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी में सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप करते हैं तीन ट्रिक्स को अप्लाई, तो आपका जो कि पैसा जो कि प्रोसेस में फंसा होगा वह पैसा जो कि 24 घंटा के अंदर में ही आपका रिकवर हो जाएगा। और फाइनली अगर कम बंदा का अगर आज प्रोसेसिंग में गया होगा तो फाइनली वह पैसा आपको 2 से 3 घंटा में भी रिकवर हो जाएगा। तो फाइनली ऐसा नहीं है कि आपको 2 से 3 घंटा में एवरेज डे में ही रिकवर नहीं होते पाते हैं, आपको 24 घंटा के मैक्सिमम टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय है 1 सप्ताह, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर में इसको रिकवर करना रहता है। तो फाइनली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता और कम से कम 24 घंटा में आपको ये रिकवर कर देगा, आपके पैसे को फिर से अपने बैंक आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब।